तो आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम जा रहे हैं माता माइयों के चोमू सामोद, क्योंकि आपको देख रहा होगा कि मैं अभी वीडियो वगैरह नहीं डाल रही इंस्टाग्राम पे, डाल भी रही हूँ तो पुराने डाल रही हूँ, क्योंकि जो मेरा लड़का है उसकी जो तबीयत है ना वो थोड़ी मतलब ऐसे हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो हमने उसके डॉक्टर को भी दवाई दिलाई है। आप जानते हो कि देवी देवता को भी मानना ज़रूरी है, तो इसके क्या है ना मानत्या है और मेरी मानत्या है माता जी के चोमू सामोद है, तो वहाँ पे हमारी मानत्या है, तो वहाँ पे हम ढोक देने जा रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह 7 बज गए, हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और हमारी गाड़ी भी तैयार है। मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ मैं, क्योंकि इसके पापा तो चले गए हैं दिल्ली सुबह आज मॉर्निंग में, तो इसलिए मैं मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ। फिर वो आएँगे दिल्ली से जब हम दिल्ली जाएँगे, तो अभी हम निकल रहे हैं, हमारी तैयारी हो चुकी है। ये देखो ये गाड़ी में जाएंगे हम, और ये वो तैयार हो चुका है और मम्मी पापा भी हो रहे तैयार हो चुके हैं, हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। हम निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं माता जी के जाने के लिए, तो आप सबको भी दिखाएंगे, हम बने रहे उसके ब्लॉग में। और वहाँ पर जाने से हर मनोकामना पूरी होती है, तो आप सब भी ज़रूर जाए वहाँ पर। और ये रहा मेरा बच्चा, ये रहा हेलो बोलो, हेलो पापा फ्रूट्स वगैरह लेने गए हैं, अब हम यहाँ रुक गए हैं। और यहीं से अंकिता जी और मस्तराम जी का घर भी है यहीं के पास में। हमने सोचा था कि हम उनसे मिले, लेकिन उनका भी छोटा बेबी है, बहुत छोटा बेबी है, तो हम जैसे कहीं भी सफ़र से आएंगे तो कुछ हो ना जाए, इसलिए हम मिलने नहीं जा रहे। नहीं तो हम उनसे ज़रूर मिलते, क्योंकि हम उनके पास में खड़े हैं, उनके घर के हॉस्पिटल के पास में ही हैं, वहीं से फ्रूट्स ले रहे हैं हम, तो कभी इधर आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो जब मिलने आएंगे, तो अभी तो हम नहीं जा रहे। अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप सभी, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपके प्यारी सी गुड़िया आई है, लक्ष्मी जी आई है आपके घर में, तो उसके लिए आप दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ। और अब निकल गए यहाँ से, अब निकलने वाले हैं अभी, तो हम पहले हनुमान जी के जा रहे हैं, चोमू सामोद में हनुमान जी है, तो ये गेट आ चुका है यहाँ पे मेन गेट, और यहाँ का सीन बहुत ही अच्छा है, देखो कितने अच्छे पहाड़ सामने देखते होंगे, और यहाँ पे जंगल है साइड में बिल्कुल, तो ये हमने एंट्री कर ली है गेट के अंदर से। ये माता जी के मंदिर के थोड़े से आगे जाते हैं ये हनुमान जी का मंदिर, सामने देखो कितना अच्छा सीन है, आपको दिखाएगा पूरा। सामने ये बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पे ये लिफ्ट भी बना रहे हैं जो अभी तक बनी नहीं है, बहुत सालों से ऐसे ही है। तो ये देखो सामने ये मंदिर ही है, और ये सीढ़ियाँ जा रही है, देखो सामने आपको दिख रही होगी पहाड़ी ऊपर, ये सीढ़ियाँ है सबसे ऊपर, वो जो चोटी पे दिख रहा है ना ये मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो पापा चढ़ेंगे और हम नीचे रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं हमारे साथ, तो ये चढ़ने नहीं देंगे, हम थक जाएंगे तो पापा ही चढ़ेंगे, हम नीचे इंतजार करेंगे और यहीं से मान लेंगे हमारी दुआ। तो ये देखो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो आप भी इधर जरूर आए, बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ पे देखो। और हम पहुँच गए वहाँ पे, तो पापा चले गए हैं ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों में, और ये पापा अब हम यहाँ पे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, तो हम गाड़ी में ही वेट कर रहे हैं पापा का नीचे आने तक, फिर हम सीढ़ियों में ढोक दे के आएंगे, तो आपको भी दिखाएंगे पूरा, हम ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और बच्चों के साथ तो चढ़ना नामुमकिन है, अकेले ज़रूर चढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। और यहाँ का बाहर का सीन आपको दिखा देती है, कितनी हरियाली, बहुत ही अच्छा सीन है देखो। और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो देखते हैं अगर वीडियो बन पाता है तो, नहीं तो फिर माता माइयों की चलेंगे हम फिर। तो हम निकल गए हनुमान जी के से, ये देखो यहाँ पे मार्केट है बाहर का, आप आ चुके हैं माता जी के जा रहे हैं अब हम, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, यहाँ से हम निकल गए हैं, तो यहाँ पे केले वेले सब बांट दिए पापा ने, और अभी और भी कुछ कर रहे हैं, ले दीजिए रे भैया 10 रुपया को दादा
ये काय कर रहे खाओ गए ने। अच्छा ये पहाड़ा मुँह गच है इमली इमली दिखा मैंने दिखा बहुत कश्मीर है। तो ये देखो ये पहाड़ों में उगता है यहाँ पे, इधर सामने जो है यहाँ से लाते हैं। क्या बोले चल बोजरो खाटिया तो मैं भी खा के बताती हूँ आपको, बहुत अच्छे है। चुके हैं माता जी और के और यहाँ पे दुकानें चालू हो गई है। देखो माता जी के बीज वगैरह प्रसाद वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ का रास्ता थोड़ा खराब हो चुका है बारिश आने की वजह से, टूट गया और बहुत तेज धूप पड़ रही है बाहर, आपको दिखाएंगे पूरा। अभी हम रास्ते पे ऊपर चढ़ रहे हैं डूंगर के ऊपर। देखो कितना अच्छा सीन है, तो यहाँ पे बहुत ही गहरा जंगल है ये देख सकते हो आप, और बीच में मंदिर भी है हनुमान जी का। बहुत ही अच्छा सीन है देख सकते हो आप, पहाड़ों के बीच में। हम उतर चुके हैं गाड़ी से और अभी सामने मंदिर है वो देख सकते हो हो रहा, और यहाँ का सीन देखो कितना अच्छा है, पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है माता जी का मंदिर। तो मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है, मैंने आपको बताया था शुरू में, तो बस इसी को ढोक दिलाने लाई हूँ। और इसका मुँह मैंने आपको बताया था कि थोड़ा टेढ़ा होता है, तो ऐसे बोलते हैं कि माता जी की मान है इसके, तो इसलिए अभी ढोक दिलाने आई हूँ। और इसी की अभी थोड़ी टेंशन चल रही है, तो आप लोग भी और माता जी से भी मैं ये प्रार्थना करूँगी कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस चलते हैं, उनके जो सामान लाए हैं वो भी चढ़ा देते हैं बीच से मेरा, तो चलते हैं। और ये रही हमारी गाड़ी, मम्मी पप्पू सो गया है, धूप हो रही है बहुत तेज, 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के, हम भी जा रहे हैं। तो नीचे बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है मिट्टी, हम जा रहे हैं। पापा बंदर को खाना खिला रहे हैं, तो हमने दर्शन कर लिए हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। 12:30 बज गए हैं, तो हम जा रहे हैं वापस। तो आप बने रहे ब्लॉग में, अब हम खाना वाना खाएंगे बीच में, मम्मी बैठ रही है और यहाँ का सीन आपको दिखाएंगे। इस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे हम। क्या रोटी खावा गई मम्मी तू? काय खाओ ली? जी पता नहीं। तो हम इस पे आ गए आनंद होटल में, यहाँ पे खाना खाएंगे हम। अच्छी लग रही थी बैठ मम्मी कुर्सी, तो अभी खाना खा रहे हैं। हमने खाना खा लिया है और हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो अब इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।